सिटी आर बिल्ड इंडिया 2024 गजीबो। सो गजीबो में ये पूरे एमएस स्ट्रक्चर पे ये गजीबो तैयार स्क्वायर पैनल डब्ल्यूबीसी लोवर्स के किया गया है। धर्मेंद्र तारिक, धर्मेंद्र सर आप अपनी कंपनी एक रूफिंग ऑप्शन है जिसमें कि क्ले रूफ टाइल्स है, स्टोन कोटेड मेटल रूफ टाइल्स, बेस इसका गैल्वेनियम का होता है, यूपीवीसी है इन टाइल प्रोफाइल, इसमें डिफरेंट कलर्स पॉसिबल, इन बिटवीन दिस इज यू फोम लेयर, बैक साइड एल्युमिनियम का फॉयल है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और आपका दोस्त गुलजार। तो दोस्तों आज आपको लेके आए प्रगति मैदान जहां देखने वाले डी आर बिल्ड इंडिया 2024। तो यहां पे काफी सारे आपको स्टॉल्स देखने के लिए मिल सकते हैं जो कंपनी अलग अलग अपने न्यू इनोवेशन लेके आई है। तो ऐसे ही हम आपको दिखाने वाले हैं, कंपनी हमारे साथ है ब्लूम इंडिया और हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से कंपनी काम करती है ब्लूम इंडिया और क्या प्रोडक्ट आपके लिए न्यू लेके आएंगे। तो डायरेक्ट हम लोग बात करते हैं कंपनी से। अगर आप इस फील्ड से हैं दोस्तों तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुंच सके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। तो डायरेक्ट बात करते हैं हमारे साथ में सर। हेलो सर, वेलकम। थैंक यू। योर गुड नेम सर? धर्मेंद्र धारी। धर्मेंद्र सर आप अपनी कंपनी के बारे में बताएं और किस तरीके से आप काम करते हैं, क्या प्रोडक्ट है आपको? हमारी कंपनी पिछले 14 साल से बिल्डिंग एक्सटीरियर को ब्यूटीफाई करने का काम कर रही है। okay. और इसमें अगर आप बिल्डिंग को देखेंगे बाहर से तो आपको स्लोप रूफ दिखेगी, वॉल दिखेगा और एक्सटर्नल डेवलपमेंट दिखेगी, लैंडस्केपिंग एरिया। सो हमारे पास तीनों तरीके के प्रोडक्ट्स हैं। सो रूफिंग के लिए डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं लाइक एस्फाल्ट शिंगल्स, स्टोन कोटेड मेटल टाइल्स, पीवीसी रूफिंग शीट्स, क्ले रूफ टाइल्स। उसी तरीके से वॉल के लिए हमारे पास डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं लाइक विनाइल साइडिंग्स, इंसुलेटेड पैनल्स, डब्ल्यूपीसी लूवर्स और डोर्स एंड विंडोज इन बोथ यूपीवीसी एंड एल्युमिनियम। एंड लैंडस्केपिंग के लिए हम आपको परगोलास, गजीबोस का बना बना के दे सकते हैं। जैसे कि सर अभी हम देख रहे हैं या पीछे आपने एक शेड बनाया हुआ है, ये शेड आपके कंपनी के थ्रू बनाया हुआ है, क्या क्या हिसाब रहता है? इसमें जो शेड देख रहे हैं आप, वी कॉल इट गजीबो। सो गजीबो में ये पूरे एमएस स्ट्रक्चर पे ये गजीबो तैयार है और इसको ऊपर से स्टोन कोटेड मेटल रूफ टाइल्स, नीचे से सीलिंग जो है वो सॉफिट पैनल में किया गया है। और अगर फ्लोर देखेंगे तो ये स्क्वायर पैनल डब्ल्यूपीसी लूवर्स के किया गया है। okay. ये 8 फीट बाय 8 फीट का पूरा गजीबो है जिसमें की ड्रेनेज सिस्टम भी दिया गया सो दैट बारिश का पानी को एक जगह इकट्ठा किया जा सके। और ये तकरीबन 1.5 लाख रुपए में इस तरह के गजीबोस हम बना के दे सकते हैं। तो इसका बेसिक यूज कहाँ रहता है? टेरिस पे अगर आप कोई डेवलपमेंट करना चाहते हैं, अपने गार्डन्स में कोई डेवलपमेंट करना चाहते हैं जहाँ आप बैठना चाहते हैं, नॉट ओपन टू स्काई, सो उसके लिए ये प्रोडक्ट यूज होता है। मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स अपने दिखाना चाहूंगा। बिल्कुल। ये एक रूफिंग ऑप्शन है जिसमें कि क्ले रूफ टाइल्स है, ये एस इंटरलॉकिंग पैटर्न है, दिस इज फ्लैट टाइल, फ्लैट वाला, सो डिफरेंट कलर ऑप्शंस में मिलेंगे। और ये इसके एक्सेसरीज हैं लाइक रिजेस, बाज, पेपर स्टार्टर्स। ये दूसरा ऑप्शन है स्टोन कोटेड मेटल रूफ टाइल्स, बेस इसका गैल्वेनियम का होता है विद जिंक कोटिंग एंड टॉप लेयर जो है वो स्टोन फ्रंट पेस्टेड है। डिफरेंट कलर ऑप्शंस एंड पैटर्न्स पॉसिबल हैं इसमें। दिस इज द थर्ड प्रोडक्ट, ये यूपीवीसी है इन टाइल प्रोफाइल, इसमें डिफरेंट कलर्स पॉसिबल है, शीट फॉर्म में आती है, डायरेक्टली इसको एमएस पे स्क्रू किया जा सकता है। अनदर प्रोडक्ट इज एस्फाल्ट शिंगल्स, इसको स्लोप रूफ पे सीमेंट की अगर रूफ है तो डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हैं। okay. अगर एमएस स्ट्रक्चर है तो पहले सीमेंट फायरबोर्ड लगेगी, फिर एपीपी मेम्ब्रेन लगेगा, उसके ऊपर से इसकी पेस्टिंग होगी। दिस इज अनदर प्रोडक्ट फॉर वाटर ड्रेनेज, सो एनी गटर सिस्टम, सो दैट वाटर को एक जगह कलेक्ट करके रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जा सकता है। ये दिस इज द प्रोडक्ट फॉर क्लैडिंग, वॉल क्लैडिंग, एक्सटीरियर वॉल क्लैडिंग, दिस इज कॉल्ड इंसुलेटेड मेटल क्लैडिंग, टॉप लेयर जो है एल्युमिनियम का विथ कोटिंग है एंड इन बिटवीन दिस इज पीयू फोम लेयर, बैक साइड एल्युमिनियम का फॉयल है। सो आपको ये हीट ट्रांसफर को रोकेगा बाहर से और इट इज ब्यूटीफाइंग, लुक्स लाइक वुड। दिस इज अदर प्रोडक्ट कॉल्ड विनाइल क्लैडिंग पैनल्स, जो आपको साइडिंग की तरह पूरा दिखेगा जो कनाडा या यूएस में यूज किया जाता है। सो ये सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड स्पेशली दीज टू प्रोडक्ट्स इज फर्स्ट टाइम वी हैव लॉन्च्ड इन इंडिया
Nobody else has this product yet. So we are the first mover in these two products. Very nice. तो जैसे कि फ्रेंड्स आपने सर के काफी सारे प्रोडक्ट देखे हैं, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो आप वीडियो में दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और सर का नंबर मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शो करूंगा तो आप उसमें भी विजिट कर सकते हैं और कोई भी क्वेरी रहेगी आप सर को इजिली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो सर आप हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे अपनी कंपनी के बारे में? थिंक अबाउट आउटडोर, थिंक ब्लूम्स, एनी आउटडोर प्रोडक्ट्स यू रिक्वायर वी आर देयर। ओके, थैंक यू सर।